यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। विश्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीटीडी प्रशिक्षण हॉल से विगत 16 मई को फंदे से संदेहास्पद स्थिति में बरामद शव मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है। पुलिस अनुसंधान में यह बात खुलकर सामने आई कि मृतक रामेश्वर प्रसाद केसरी का प्रेमिका ममता देवी से पिछले 8 वर्षों से प्रसंग चल रहा था और इस बात की जानकारी मृतक की बीबी और परिजनों को हो चुकी थी। इस संबंध में पुलिस ने प्रेमी द्वारा प्रेमिका को उपहार स्वरूप भेंट किए गए स्मार्टफोन और प्रयुक्त सिम कार्ड भी प्रेमिका ममता की निशानदेही पर उसके घर से बरामद कर लिया। परिजनों को प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलने के बाद मृतक का पत्नी से तनाव और प्रेमिका से झगड़ा ही उसके आत्महत्या का कारण बना। बताया गया कि तकनीकी शाखा के सहयोग से अनुसंधान को आगे बढ़ाया गया, जिसमें तकनीकी साक्ष्य एवं अनुसंधान में बात सामने आई कि जिन परिस्थितियों में रामेश्वर प्रसाद केसरी ने आत्महत्या की उन परिस्थितियों के निर्माण में ममता देवी की भूमिका उत्प्रेरक की रही। डिटेल खंगालने पर पता चला कि पिछले 15 दिनों में ममता देवी द्वारा 473 कॉल प्रेमिका के मोबाइल पर किए गए थे।